एक पुरुष ने या एक स्त्री ने पहला सेक्स कब करना चाहिए, इसके बारे में हिंदुइज्म में कुछ लिखा हुआ है। अभी ये जब मैं बोलूँ तब इसका कितना लोग पालन करते हैं पता ही नहीं। आजकल तो ऐसा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो ये नॉर्मल है, ये फैशन है, और जितने भी मेरे पास में लोग आते हैं उसमें के 90% लोगों ने तो सेक्स किया ही रहता है पहले। मतलब अभी कभी कभी जिनकी शादी हुई है वो लोग मेरे पास में आते हैं पूछते कि मेरी शादी तो पक्की हो गई, मगर वो लड़की जो मेरी अभी पत्नी होने वाली वो कुंवारी है कि नहीं कैसे समझना, तो मतलब मुश्किल है। लोग बोलते नहीं पर्दा फट गया मतलब हाईमेन तो फिर इसका मतलब वो कुंवारी नहीं है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है, पर्दा वैसा भी फट सकता है सेक्स नहीं किया तभी भी। तो फिर अभी जिन्होंने सेक्स किया ही नहीं है या शादी के बाद में बोलते कि नहीं नहीं अभी उनकी सुहाग रात है और सुहाग रात के पहले कभी भी सेक्स नहीं करना है, तो उसमें क्या लिखा है हिंदुइज्म में, तो वो बता रहा हूँ मैं। हिंदुइज्म में जो अनुष्ठान किया जाता है हिंदू धर्म में उसको बोलते हैं निषेकम। एक अनुष्ठान है, एक पूजा है, उसको कुछ लोगों में कुछ हिंदू धर्मों में उसको सत्यनारायण की पूजा भी माना जाता है कि सत्यनारायण की पूजा करना है, और अभी सत्यनारायण की पूजा बाकी है शादी के बाद में ऐसा बोला इसका मतलब उनका अभी सेक्स हुआ नहीं ऐसा माना जाता है। नहीं नहीं अभी तो सत्यनारायण की पूजा बाकी है, सत्यनारायण की पूजा होने के बाद में वो साथ में सोएंगे। मतलब हो सकता है कि शादी हो गई और 8 दिन सत्यनारायण की पूजा करने का टाइम ही नहीं मिला या हुई नहीं, तो वो तब तक सोएंगे नहीं, तो सत्यनारायण की पूजा होती है और बाद में वो साथ में सोते, वैसे उसको निषेकम भी बोलते हैं। तो वो ऐसा बोला गया है कि शादी होने के 4th दिन बाद वो करना चाहिए, और 4th दिन बाद एक बार निषेकम हो गया है पूजा हो गई तो उस रात को सुहाग रात मनाना चाहिए, पहली रात या हनीमून नाइट फर्स्ट नाइट वो उसमें मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बोला कि भाई जो उसमें दूध मिलाते हैं दूध देते हैं दूध में जो मिलावटें करते हैं दूध में जो जो डालते हैं उसका क्या महत्व है, उसके बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस है कि दूध क्यों पिलाया जाता है, दूध में क्या मिक्स किया जाता है, दूध में क्या हम लहसुन मिक्स कर सकते हैं या शहद लहसुन और अदरक मिक्स करते हैं, जिंजर मतलब अदरक जो है वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं उसमें मिक्स करो, या कोई केसर मिक्स करते हैं, केसर को दूध दिया जाता है, तो सब ये एफ्रोडाइजियाक है और ये सब दिए जाते हैं उस दिन रात को ताकि दोनों की दोनों ने भी दूध पीना चाहिए और दोनों की भी इच्छा जो है इच्छा शक्ति वो बढ़ जाती है। अब कुछ लोग उसमें पलंग तोड़ पान भी बोलते हैं, अब पलंग तोड़ पान में भी क्या रहता है वो पान बनाने वाले को भी मालूम। बोला जाता है कि पलंग तोड़ पान जब आप खाते हैं तो पलंग टूटे इतना सेक्स हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैबलेट निकली तब से ये पलंग तोड़ पान में वायग्रा टैबलेट डाली जाती है, लोग बताते नहीं है, या टाडालाफिल टैबलेट डाली जाती है बताते नहीं है, और वो पान खाने को दिया जाता है जिससे इरेक्शन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये है इन शॉर्ट कि भाई हिंदुइज्म 4th रात को पूजा पाठ होने के बाद में सेक्स को अनुमति दी गई है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।